आप देख रहे हो लर्निंग विद फन और आपको हमारे चैनल बहुत ही स्वागत है। तो अगर आप क्लास टेंथ में इस बार 2020 का एग्जाम दिए हो सीबीएसई का, तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो सीबीएसई का रिजल्ट आज डिक्लेयर होगा और आज डेट है 15 जुलाई। तो आपका रिजल्ट आज डिक्लेयर होने वाला है और आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है तो आप 2-3 स्टेप है सिंपली चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूँ और सबसे सिंपल स्टेप भी मैं आपको बताऊँगा। तो फर्स्ट स्टेप है कि आप सिंपली गूगल पर सर्च करना cbse.nic.in और वहाँ पर क्लास टेंथ रिजल्ट जाके देखना, आराम से आपको मिल जाएगा। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि सीबीएसई का रिजल्ट जैसे ही आए आपका रिजल्ट आपके फोन में आ जाए, कुछ भी सर्च करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अगर नेटवर्क ट्रैफिक होता है तो आपका रिजल्ट आप सर्च करने में आपका देरी हो सकता है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, ये बहुत ही ईजी यहाँ पे करना है आपको काम, हाउ टू गेट सीबीएसई रिजल्ट थ्रू SMS, यहाँ पे देख सकते हो। एंड आपको क्या करना है, स्टूडेंट कैन गेट देयर रिजल्ट थ्रू SMS सर्विस। तो आपको मैसेजेस में जाना है, देन आपको टाइप करना है CBSE 10 और सारे कैपिटल में रहना चाहिए। एंड देन क्या करना है, स्पेस देना है CBSE 10 स्पेस रोल नंबर आपका डालना है, जो कि एडमिट कार्ड पे आपके लिखा होगा CBSE 10 देन स्पेस करके रोल नंबर एंड देन स्पेस करके एडमिट कार्ड आईडी डालना है और सेंड कर देना है इस नंबर पे। ये नंबर यहाँ पे देख लो, हाई क्वालिटी करके देख लेना, या मैं इस वेबसाइट का लिंक दे दूँगा और मैं नंबर बोल भी देता हूँ 7738299899। तो आपको इस नंबर पर SMS करना है और जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट CBSE का रिजल्ट जैसे ही डिक्लेयर होगा आपके नंबर पे SMS आ जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप है और आपका रिजल्ट ज़रूर शेयर करना हमारे कमेंट में, जैसा भी रिजल्ट है ज़रूर शेयर करना। और आई की पढ़ाई स्टार्ट करना और रिजल्ट ख़राब है तो कोई डिप्रेशन जैसे मत करना, क्योंकि 10th का रिजल्ट उतना मैटर नहीं करता लाइफ में। और काफ़ी ज़्यादा सिर्फ 10th का रिजल्ट का ये वैल्यू है कि आप अगर स्ट्रीम चूज करना चाहते हो, यानी साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हो, तो आपको 65-70 से ऊपर रहेगा या 60 से ऊपर रहेगा तभी मिल पाता है बहुत सारे अच्छे स्कूल्स में। देन यही सिर्फ मैटर करता है, ज़्यादा CBSE 10th का रिजल्ट उतना मैटर नहीं करता। तो कुछ भी इसको दिल पे मत लेना, अगर अच्छा है तो ज़्यादा खुश भी मत हो जाना, एंड अगर ख़राब है तो भी कोई दिक्कत नहीं लेना, क्योंकि ये जैसे ही ये बस आपने 1-2 महीना जो पढ़ा था अच्छे से उसी का रिजल्ट है, क्योंकि CBSE का 10th का रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा मतलब बहुत ही कम पढ़ना था। और आपका 11th 12th का जर्नी स्टार्ट करना है या JEE नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो वो स्टार्ट करना है जर्नी आपका, क्योंकि वो बेसिकली आपका लाइफ चेंजिंग हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको JEE टिप्स या बोर्ड्स के टिप्स चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अपने रिजल्ट्स को जरूर नीचे कमेंट में बताना। ओके, देन बाय, आज के लिए इतना ही।